अंबाला छावनी की केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 की छात्रा इशिता की परीक्षा पे चर्चा पेंटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा और अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया। इससे एक ओर जहां विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा है, तो वहीं इशिता के साथ पढ़ने वाले अन्य छात्र छात्राएं भी काफ़ी उत्साहित हैं। इशिता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पेंटिंग पर जो ट्वीट किया है वो सपने जैसा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है और वो इसका श्रेय अपने स्कूल के अध्यापकों को देती हैं। वहीं इस संबंध में स्कूल की अन्य छात्रा निधि ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके अंदर मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था परीक्षा पे चर्चा को लेकर जो ये बनी थी, और इसके अंदर मतलब जो खुद का भी एक्सपीरियंस मैंने देखा कि कैसे कैसे हम स्ट्रेस ले रहते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो और दोस्तों से भी आइडियाज लेके उनकी परेशानियों को जान के और अर्शपित मैम से भी जान के जो आर्ट टीचर हमारे, उनसे मैंने ये पिक्चर बनाई है। और इसके अंदर सबसे पहले हमें मैंने दिखाया है कि जैसे हमें शांत रहना चाहिए एग्जाम के दौरान, हमें हेल्दी रहना चाहिए। और एग्जाम के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना छोड़ के कि हमें सिर्फ पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है नहीं तो पास नहीं हो पाएंगे, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें परीक्षा के बारे में जो जैसे बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है परीक्षाओं के दौरान, जो बच्चों को डर लगता है परीक्षाओं से, उस पर बातचीत होती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें इस चीज़ से। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि 9वीं कक्षा की छात्रा इशिता की कलात्मक प्रस्तुति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना की गई है। उन्होंने इशिता व उसके परिजनों और अध्यापकों को शुभकामनाएं दी हैं। स्कूल के अध्यापिका अशप्रीत कौर ने बताया कि उनके स्कूल की छात्रा की कामयाबी से वे बेहद खुश हैं। इशिता की इस पेंटिंग से एक ओर जहां लोगों को प्रेरणा मिली है, वहीं पेंटिंग में ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। इशिता कक्षा 9वीं की कलात्मक प्रस्तुति को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सराहा गया है। मैं कुमारी इशिता उसके पेरेंट्स व संबंधित अध्यापकों को बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी स्कूल के विद्यार्थी की पेंटिंग को सराहा और पेंटिंग को रिकॉग्नाइज किया। इसके लिए मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, KVS अथॉरिटीज और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ।